हेलो फ्रेंड्स, दिवाली में बहुत सारी रेसिपीज़ हम वैसे भी बनाते हैं, तो आज के वीडियो में हम बनाएंगे करंजी या गुजिया। इसे कम्प्लीटली ऑथेंटिक स्टाइल में बनाएंगे। एक परफेक्ट मेजरमेंट में आपको बताऊंगी, जिससे आपकी जो करंजी है वो महीनों तक सॉफ्ट रहेंगी और इसका जो स्टफिंग है वो मुँह में डालते ही घुल जाएगी। तो चलिए इस रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। करंजी बनाने के लिए सबसे पहले तो आटा लगाना पड़ेगा, तो यहाँ पर मैंने लिया है 2.5 कप ऑफ मैदा, जो 250 ग्राम्स ऑफ मैदा है। अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 4 टेबलस्पून सूजी, 0 साइज वाला। अब हम इसमें पिंच ऑफ सॉल्ट ऐड करेंगे। हर मीठी चीज़ में जब हम थोड़ा सा नमक डालते हैं तो उसका जो फ्लेवर है वो एनहांस हो जाता है। अब यहाँ पर मैंने 4 चम्मच ऑयल लिया है। अगर आप चाहो तो यहाँ पर घी भी ले सकते हो। ऑयल को अच्छे से गर्म करके उसका मोयन बनाकर हम आटे में मिक्स करेंगे। और ध्यान रखिएगा कि चम्मच से मिक्स करना है हमें, क्योंकि यह बहुत ज़्यादा गर्म रहता है। अब यहाँ पर तेल को मैदे के साथ हम अच्छे से मिला लेंगे, और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि इससे करंजी का जो आउटर सरफेस है वो महीनों तक ऐसे ही सॉफ्ट रहता है और उसमें लेयर्स भी बहुत अच्छे से आते हैं। अब सारी चीज़ों को हमें इतने अच्छे से मिलाना है कि इस तरह से हाथ में एक लड्डू बन जाना चाहिए। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके हम पानी ऐड करेंगे और इसका एक डो बनाएंगे। पानी भी हमें एक साथ ऐड नहीं करना है और इसमें कम से कम पानी का इस्तेमाल करना है। सो फ्रेंड्स, आटा यहाँ पर बनके तैयार है, एकदम परफेक्ट बना है और ये सख्त भी बना है बहुत ज़्यादा, तो हमें ऐसे ही चाहिए। अब हम इसे रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे आधे घंटे तक। तो चलिए अब स्टफिंग का एक परफेक्ट मेजरमेंट देखते हैं। मैंने यहाँ पे लिया है 1 कप सूजी स्मॉल साइज, 1 कप ड्राई कोकोनट एंड 1 कप पाउडर शुगर एंड 1/4 कप काजू और बादाम। ड्राई फ्रूट्स अपने चॉइस से आप ले सकते हो। और मैंने यहाँ पे लिया है 1/2 टीस्पून इलायची पाउडर। कुछ लोग इसमें खसखस ऐड करते हैं, वो कम्प्लीटली ऑप्शनल है। अगर आप 2 कप सूजी लेते हो तो 2 कप ड्राई नारियल ले लो और 2 कप पाउडर शुगर ले लो। इससे जो है हमारे जो करंजी है परफेक्टली स्वीट बनेंगे और बिल्कुल हार्ड भी नहीं बनेंगे। अब स्टफिंग बनाने के लिए सूजी को हम सबसे पहले रोस्ट कर लेंगे। पहले हम इसे ड्राई रोस्ट ही करेंगे, और जब यह अच्छे से रोस्ट हो जाएगा और थोड़ी सी खुशबू आने लगेगी, फिर हम इसमें 3 से 4 टेबलस्पून घी ऐड करेंगे, और फाइनली जब तक इसका कलर चेंज नहीं हो जाता है तब तक इसे रोस्ट करेंगे। सो यहाँ पर हमारा सूजी का कलर अच्छे से चेंज हो गया है और ये परफेक्टली रोस्ट हो गया है, तो अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब इसी तरह से हम 1 कप नारियल को भी अच्छे से ड्राई रोस्ट कर लेंगे, जब तक उसका कलर गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाता। ध्यान रखिए, हमें जलाना बिल्कुल भी नहीं है, सिर्फ हमें कलर गोल्डन ब्राउन करना है, और थोड़ा सा जैसे ही ये क्रिस्पी हो जाएगा हम तुरंत इसे प्लेट में निकाल लेंगे। अब इसी तरह से काजू और बादाम को 1 चम्मच घी में फ्राई करके ले लेंगे, फिर उन्हें ठंडा करेंगे और मिक्सर में उनका कोर्स पाउडर बना लेंगे, और फिर हम उसे हमारे स्टफिंग में ऐड करेंगे। सो ये हमारा फाइनल स्टफिंग है जो रेडी है। रोस्टेड सूजी, रोस्टेड नारियल, इसमें ड्राई फ्रूट का पाउडर हम ऐड करेंगे। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 कप शुगर और 1/2 टीस्पून इलायची। अब जो नारियल है उसे थोड़ा सा मैं क्रश करके ले लूँगी, क्योंकि मुझे चाहिए कि मेरा जो स्टफिंग है वो परफेक्टली स्मूथ और सॉफ्ट बने। अब सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब स्टफिंग मेरा रेडी है। आप देखो यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं है, इस तरह से इसका एक लड्डू बन जाना चाहिए। इस तरह से ये महीनों तक सॉफ्ट रहेगा। अब हम इसे एक जार में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। अब आधा घंटा तो हो गया है और आटा मेरा एकदम सेट हो गया है, तो मेरा आटा जो बहुत ज़्यादा सख्त था, अभी आप देखोगे ये परफेक्टली सॉफ्ट हो गया है। तो इसीलिए आटे को शुरू में हमें सख्त ही रखना है। तो आटा अभी सेट हो गया है, थोड़ा सा और इसे सॉफ्ट कर लेते हैं। सो स्टफिंग एंड आटा बोथ आर रेडी, तो अब बनाते हैं करंजी। अब बेलते वक्त तेल या आटे का इस्तेमाल नहीं करना है,
तो ऐसे में ये नीचे चिपक सकता है। इसलिए जब इसे आप बेलते हो तो इस तरह से इसे उठा के घुमाते हुए बेलना है, ताकि ये नीचे चिपके भी नहीं और इसका शेप भी परफेक्ट राउंड आए। अब स्टफिंग को भरने के लिए अपने हाथ को इस तरह से रखना है रोटी के ऊपर, ताकि जो स्टफिंग है वो हर जगह फैले नहीं। अब इसके एक साइड से इस तरह से हम दूध या पानी को लगाएंगे और स्लोली इसे उठा के दूसरी साइड से चिपका देंगे और इस तरह से अपने फिंगर्स से धीरे धीरे इसके साइड्स में प्रेस करेंगे और एक कटर से इसके एजेस को कट कर देंगे। तो यहाँ पर हमारा जो करंजी है वो बनके तैयार हो गया। अब इसी तरह से एक एक करके सारी करंजी को आप फिल कर लीजिए और फिर एक साथ 8 से 10 करंजी को हम फ्राई करेंगे। एक पैन में यहाँ पर ऑयल गरम हो गया है, इस तरह से एक छोटा पीस डाल के हम टेस्ट करेंगे। उसके बाद हम इसमें करंजी को ऐड करेंगे। वैसे आप 1 से 2 करंजी एक साथ फ्राई कर सकते हो। पहले इसे एक साइड पे फ्राई करना है और फिर इसे पलट देंगे और ये बहुत जल्दी फ्राई हो जाते हैं, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। और जैसे ही ये गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे इन्हें हम तुरंत निकाल देंगे। आप देख सकते हो ये कितने अच्छे से फूल गए हैं, तो दे आर ऑल डन। चलिए हम इन्हें निकाल लेते हैं। अब इसी तरह से एक एक करके हम सारे करंजी फ्राई कर लेंगे। सो फ्रेंड्स, हियर यू गो, हमारे अमेजिंग करंजी बनके तैयार है। ये बहुत ही टेस्टी बने हैं। इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करना और मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक द वीडियो। और मैं जल्दी आपसे मिलती हूँ 1 मोर वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।